नहीं दोस्तों, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। और आज का नाइट का भी आज नाइट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत दिन के बाद मैं खुद अपने बच्चे देख रहा हूँ, हमारे जो क्वीन के बच्चे, ठीक है। ये देखिए, एक्चुअली क्वीन अभी बाहर बंद कर रखी है वहाँ पे, क्योंकि वो आएगी मतलब अटैक करेगी। मैंने अभी तक 8 दिन के बच्चे अभी तक देखे नहीं थे मैंने। ये सब यहाँ पे हीटर का बंदोबस्त हो रखा है हर एक चीज का, ठीक है। रूम पूरा सफाई रहता है। अरे यहाँ पे धूल है शायद, यहाँ पे भी साइड करो सर, निकालो ये रूम से कचरा निकालो। अभी हीटर की जरूरत नहीं है, उड़ीसा में सर्दी चली गई पूरी, चला जनवरी में ही उड़ीसा में चली जाती है। तो ये कुछ हमारे अभी बॉक्स में रखा है, क्योंकि बॉक्स में हम रखते नहीं है, खुला छोड़ देते हैं। पूरा नेचुरल तरीके में दूध पिलाती है बच्चों को, तो वो सही रहता है। साफ कर दो, साफ कर दो, रहने तो बस जितना हो रहा है इतना साइड से करो, वो मार देगी बाहर निकलते। इतनी मतलब बच्चे देते टाइम इतनी पॉजेसिव हो जाती है बच्चों के तहत, मालिक को भी नहीं छोड़ती है, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। बस ये मेरे ये भाई है सुधीर, इनको बस अंदर अलाउ करती है और किसी को नहीं। तो बच्चे ये रहे हमारे क्यूट क्यूट बच्चे, ओ ले 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 ले। ये फीमेल है, 5 फीमेल 8 मेल हुए। अभी आपको दिखाता हूँ, ये रहा मेरा बच्चा। तो ठीक है बच्चे, देखे नहीं है हा? इसको नीचे रखो, जहां पे था नीचे रखो, नीचे रखो हीटर को, नीचे रखो जैसे रखना, बस ऐसे साइड में रखो, एक साइड में इस तरफ रखो, बस बस थोड़ा इस तरफ करो, थोड़ा इस तरफ बस रहने दो वहां पे। वो अपना एक 6 पपीज है टोटल हुआ है। ये पुराना तकनीक, गांव का तकनीक है, आलू में ये लगा है, बस रेडी। बुरा पकी दिया, जमीन खिला जमीन पकी दिया सब, इसे तो जमीन जा रखी तो रखी पाओगे। अब इस दिन वाले तो पंखा लगी हो, ये पंखा ना गली बाहर ले, एवढे सब सफा करियो, रूम जितने क्लीन रखी हो ना। अच्छा ये ठीक है, एवढे बाड़ी पूरे जी एटा मो पूरे दिन से छोटा छुआ से ले आवे। ओहो कले जरे लगी है तो ठीक है, दिखा रहा हूँ आपको क्वीन का भी रिएक्शन, दिखाता हूँ। ये देखो वहाँ पे खड़ी है, देख पा रहे होगे, ये आ गई क्वीन। क्या हो गया बेटा, कुछ नहीं करेंगे, ये देखो क्वीन। अरे कुछ नहीं करेंगे तेरे बच्चे के साथ, ऐसे मत हो भाई, तेरे लिए जितना हो रहा है। ये देखो यहाँ पे सागू बिठा रखा है, ठीक है, रात के लिए सागू और हमारा जो चिकन का लीवर, ये सागू, ठीक है। मदर को हम क्या क्या देते हैं, ये गैलक पाउडर हो गया, सागू हो गया, ठीक है। ये सब मदर का इम्पोर्टेंस है, और बच्चे जब थोड़े 15 दिन के होंगे वेरॉल स्टार्ट हो जाएगा, हर एक चीज़ स्टार्ट होगा। बच्चे तेरे बच्चों को हम इतना केयर कर रहे हैं, तो हमको यहाँ से निकाल रही है। निकालो निकालो, बस किच्ची किच्ची तो मैं देख के चलाना हुआ था, ठीक है। वो जैसे मतलब जब बच्चा दूर में रहेगा तब हीटर लगाना, जब रूम का टेम्परेचर 18-15 ऐसा रहेगा, ठीक है। और रूम ही गर्म होगा क्यों लगाना है, बच्चे बेकार में ये हो जाएंगे। सब एक बार लाइट चला के देखो, सब चल रहा है ना, ये देखो हीटर चलते हुए। बस बच्चों का तापमान सही है, लगाने की जरूरत नहीं है। बंद कर दो लाए, हाँ बल इधर लगाओ, लगा के रख, लगा ए, देख के चढ़ जाओगे बच्चे, बस लगा दिया रेडी सब। जब ठंड होगा तब लगाना है, बस बंद कर दो, अभी बंद कर दो कोई जरूरत नहीं है। बस हो गया सब, यहाँ पे ईट लगा दो, यहाँ पे जैसे लला के टाइम में लगाया था,
ऐसे लगा दो, उसको अंदर जाने के बाद कचड़ा सब निकाल देना, पानी वानी हर एक चीज निकाल देना बाहर, पानी अंदर मत देना, अंदर वो ये कर देगी, बच्चे गीले हो जाएंगे, ठीक है? निकालो। तो यार व्लॉग डेली बना रहे हैं, सपोर्ट भी अच्छे से थोड़ा करो, ठीक है, जिससे और थोड़ा मोटिवेशन आए बाहर जाके व्लॉग बनाने का। अभी एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर बाहर जाके अभी व्लॉगिंग करेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी। अगर आपका भी फार्म है और फीमेल आपके पास है, ज़्यादा फीमेल है आपके पास, तो ये रखा करो पल्सर टीला, ठीक है, फार्म में पल्सर टीला। हाँ निकालो निकालो, साइड दो, साइड दो उसको, तुम भी साइड दे दो, ये दे दो। अरे गेट का ही खुलन था रो, क्वीन ले मार, तू साइड में बैठ जा, चुपचाप बैठ जा, मर्डर कर देगी तेरा। क्वीन अंदर जा, आई दे आ, क्वीन इधर गई अंदर, बंद कर दे, बस रेडी से स्टार्ट। ये अबे रुक जा, रहने दे, अरे कुछ नहीं कर रहे तेरे बच्चे को, जा अपना दूध पिला, देखो जैसे कितनी एग्रेसिव है, बच्चे आज पहली बार देखे मैंने। चाहिए तेरे सारे के सारे बच्चे चेक कर ले, छह के छह हैं। पानी दे उसको थोड़ा, अभी नहीं रहने दे, पानी पिया था अभी उसने। ये सब बाहर कचड़ा फेंक दो, और वो बॉक्स अंदर रखो, बॉक्स हमारा जरूरत है आगे। अच्छा कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब ब्रीडिंग एक नॉर्मल है, ब्रीडिंग इलीगल है, ये है वो है। हम लोग देखो, ब्रीडिंग इलीगल कब है, जब हम फीमेल को मतलब टॉर्चर करके यूज़ कर रहे हैं, मतलब यूज़ ऐसे कर रहे हैं उसको, एक भी हीट नहीं छोड़ रहे हैं ये कर। देखो फीमेल आपको रखनी है, मैं आज भी ये वीडियो में बता रहा हूँ कि ये एक बिजनेस नहीं है, ये अगर आपको डॉग पसंद है, फार्मिंग करना है, अगर आपको अच्छे अच्छे ब्रीड निकालने हैं, तो फिर आप ये काम करो, या फिर मतलब आपको अगर ऐसा करना है कि फीमेल्स को खाली मेट करा के मतलब पूरा बच्चा निकालना है हर एक टाइम, वैसा नहीं है। एक साल में दो, और फीमेल का एक रूल है, हमेशा फीमेल को 24 मंथ के बाद ही मेट कराएं, उससे पहले मेट ना कराएं, जब वो पूरी एडल्ट हो जाए, बच्चे लेने के मतलब वो हो जाए कि मैं बच्चे ले सकती हूँ, कम से कम 3 साल बता रहा हूँ, ठीक है, तो तब जाके बच्चा लिया करो। ऐसे नहीं कि मैं बहुत देखा है, इन लोगों के ऊपर केस करना चाहिए, मेरे फर्स्ट हीट पे मेट करा देते हैं। अरे फर्स्ट हीट मतलब आपको ये पता भी है, ओए फर्स्ट हीट का मतलब पता भी है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मतलब ह्यूमन में जो लड़कियाँ होती हैं वो 5 क्लास 5 क्लास 6 में वो फर्स्ट हीट मतलब उनका जो जो पीरियड्स होता है, साइकिल होता है, वो मतलब छोटी एज पे आ जाता है, 6-7 क्लास में उनका आ जाता है। तो क्या 6-7 क्लास में ये सब समझो, थोड़ी छोटी छोटी बात है, ठीक है। तो ये भी डॉग्स है, इनको अगर आपको इतना शौक है तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको अगर अच्छा डॉग चाहिए आप एक काम करो, स्ट्रीट डॉग पाल लो अगर आप नहीं रख सकते, ठीक है। और बिजनेस पर्पज से बहुत लोगों देखा ना, मैंने खाली 10-10 फीमेल घुसा दे। आप मेरे फार्म में देखना, आपको मेरे पास मेल, मेरा जर्मन शेफर्ड के 3 मेल है, लैब्राडोर 1 मेल है, और एक हार्ली क्वीन का मेल है। हार्ली क्वीन मेल आज तक मेटिंग किया नहीं है क्योंकि अब बच्चा है वो, और लैब्राडोर पूरा एडल्ट है, 4 साल का हो गया है मेरा मोटे, और रॉकी का 5 साल हो गया है एज, और इसका हमारा जो बूस्टर का हो गया है 2 साल हो जाएगा अगले मंथ और 2-3 मंथ में, और जैक 2 साल का हो गया, बस यही है। और फीमेल, फीमेल मेरे फार्म में आपको 8-9 ही मिलेगी, और उसमें से बच्चे आपको कम मिलेंगे, और कम ज़्यादा मिलेंगे सॉरी। और फीमेल कितने, आप खुद देखो मेरे होम ब्रीडिंग के कितने लीटर निकले हैं अभी तक, वीडियो में आप चेक कर लेना कितने, वीडियो में अभी तक कितना लीटर निकला है मेरे होम ब्रीड में अभी तक, मतलब अपनी फीमेल में मैं
मैं ज्यादा जो बच्चे आप लोग देखते हैं वो स्टड के पपीज होते हैं, जो हम बाहर मैट देते हैं, मैटिंग देते हैं, उनके बच्चे हम लोग क्योंकि एक बंदा जब मैटिंग हमसे करा रहा है और वो बच्चे सेल नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे मतलब उसके पास सोर्स नहीं है कि कैसे हम लोगों तक पहुंचाए बच्चे, तो हम वो सेल करा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। लेकिन हमारे जो होम ब्रीडिंग है वो लेला का, आपने अभी पपी देखा था, अभी क्वीन का देखा है, अभी आपको पता नहीं कौन सा 4-5 महीने बाद और किसी का लीटर देखने मिलेगा, उसके 4-5 महीने में हमारे फीमेल का लीटर आपको बता दूं, मतलब ब्रीडिंग ऐसे कर रहे हैं लोग कि उनके पास बहुत, ये देखें मेरी फीमेल दिखा रहा हूँ, ये देखिए, वो देखो एरिका है, वो छोटी सी है, ये लैला अभी हीट पे है, मैंने इसकी हीट छोड़ दी है क्योंकि आपके पास लाइव है, और मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर उनको कभी भी कुछ नहीं छुपाता हूँ। ये मेरी हस्की, ये देखो, ठीक है, ये मेरा हस्की है, ओए ओए लैला, ठीक है। और हम फार्म में चेंज कर रहे हैं, अपना फार्म में ले जाएंगे गांव में, ठीक है। और गांव में एक्चुअली देखिए, ये म्यूनसिपलिटी एरिया है, कटक भुवनेश्वर, ये सब म्यूनसिपलिटी एरिया है, यहाँ पे हमारा गांव है चंडीघोल के पास, और चंडीघोल के पास हम लोग, वहाँ पे मेरा खुद का जगह है, खुद के मेरे फादर साहब का जगह है, घर के साथ अटैच है, वहाँ पे हम लोग अपना फार्म करेंगे। और भुवनेश्वर में जो करने वाले थे हमारा, ये करना, देखो भुवनेश्वर में अभी आगे वो BDA के अंदर चले जाएगा, तो घर घर के पास घर लगने स्टार्ट हो जाएंगे आगे, ठीक है, अभी तो नहीं, तो कोई ये कंप्लेन कर देगा, बोलेगा आपके डॉग भोंक रहे हैं, डॉग रखा है मतलब भोंकेगा, ठीक है, तो वो परेशानी होगी, क्यों इतने झंझट में रहना, अपने डॉग जहाँ पे नेचुरल रहें, ठीक है। और आप लोग थोड़ा सपोर्ट करना बस, कि अच्छे से हम लोग, मतलब जितने भी हमारे डॉग्स, और जो लोग सोचते हैं मेरा ये बिजनेस, मतलब इसमें मेरा चलता है, घर चलता है, तो मैं आपको एक वीडियो कल, एक और एक वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको कैनल का खर्चा दिखाऊंगा, ठीक है, और कैनल से क्या निकलता है वो भी दिखाऊंगा, तो आप प्लस माइनस कर लेना, आपको पता चल जाएगा एक फार्म करने में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, ठीक है, वो आपको मैं कल एक बताऊंगा। तो जो लोग सोचते हैं ना, ये लोग मतलब इससे इल्लीगली पैसा कमा रहे, ये करवा रहे, तो अच्छा। और एक कुछ लोग लिखते हैं, मतलब मेरे कमेंट में नहीं, मैंने अलग अलग वीडियोस देखे हैं, कुछ महापुरुष लिखते हैं कि मदर को बच्चे से अलग कर देते हैं। अरे भाई, मैं आपको ये नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, अलग कैसे नहीं एक बंदा करेगा यार, अभी किसी के पास 5-6 बच्चे होंगे, वो सभी को थोड़ी रखेगा, ठीक है, और अगर भी रख लिया तो बढ़ बढ़ के खाना कैसे देगा, ठीक है। हम उसको एक अच्छा घर तो दे रहे हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स है, मैं तो बोल रहा हूँ आप उनको अडॉप्ट करो, वो अच्छा है। और अभी एक स्ट्रीट डॉग बच्चे देता है तो उसके बच्चे कितने लोग लेते हैं, मैं तो बोलता हूँ आप स्ट्रीट डॉग रखिए, वो सबसे अच्छा है, आप ये ब्रीड डॉग रखने से अच्छा स्ट्रीट डॉग रखिए। मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक टाइम था जब मेरे पास एक भी डॉग नहीं था, मेरा पहला स्ट्रीट डॉग मेरे पास जब मैं CDA में रहता था Sector 6 में, तो मेरे पास टोटल, आप उस कॉलोनी में आज भी जाके किसी को पूछ लेना, मेरे पास 20 स्ट्रीट डॉग्स थे, 20। मैं, मेरी मम्मी मेरे को देती थी, मतलब डेली स्कूल जाता था, 10 रुपये 5 रुपये ऐसे देती थी, मैं क्या करता था उसमें से, मम्मी को झूठ बोल के पार्ले जी बिस्किट आता है खरीद लेता था, मैं जब जाऊंगा मेरे पीछे 20-20, 15-15 जाएंगे, ऊपर लेके शैम्पू से घसूंगा, ठीक है, मेरे भाई का दुकान है वहाँ पर, वो मेरे को कभी कभी दे देता था सैंपल, तो मैं ऐसी कोई घर से पापा जी आर्मी में है, जैसे कैंटीन से कुछ माल है घर से चोरी कर लिया, हमारा लक्स वक्स कुछ भी साबुन चोरी करके, हम मेरे पास स्ट्रीट डॉग्स कितने थे, आपको वो भी मैं एक टाइम आएगा पूरा बताऊंगा, ठीक है, तो जिसको पूछ ले भी लेना। हम लोग डॉग लवर हैं, डॉग लवर क्या, मैं जर्मन शेफर्ड का बहुत बड़ा लवर हूँ, तो मेरे पास आपको जर्मन शेफर्ड, मैं हस्की मैं रखने वाला नहीं था, हार्ली क्वीन रखने वाला नहीं था, ठीक है, हार्ली क्वीन रखने का रीज़न अलग है, हस्की मैं रखने वाला नहीं था, एक मेरा जो छोटा भाई है वो जो लक्की, वो उसने जिद किया कि भैया एक हस्की रखेंगे, हस्की वो बोल रहा था मेल, मैं बोला भाई मेल नहीं रखनी, फीमेल रखेंगे, 3 साल बाद अगर हम उसका लीटर भी रखते हैं, उसका एक अंश तो हमको रख, मतलब उसका एक मतलब जीन तो हमको मिलेगा, रख पाएंगे घर के लिए, ठीक है, तो फीमेल मैं प्रिफर करता हूँ, अगर आप भी घर पर रख रहे हो वो अच्छी है मेल से, मेल के मुकाबले, ठीक है। तो फार्म बहुत ही जल्दी शिफ्ट होने वाला है मेरे भाई के शादी के बाद, ठीक है, और भाई का शादी
मेरा जाजपुर में है, तो जो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर भी हैं मैं बता दूंगा कहाँ पे हो रहा है, आप भी वहाँ पे आ सकते हैं। सभी को वेलकम है, जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे, जो भी रेगुलर व्यूअर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे आइए और जो चाहता है हमारे साथ मिलने के लिए और हम मतलब हमको सपोर्ट करना चाहता है, फाइनेंशियली नहीं, नॉर्मली ऐसे मतलब सपोर्ट मतलब एकता जिसको बोलते हैं, ठीक है, बस सपोर्ट करना, ठीक है, फाइनेंशियली नहीं चाहिए हमको, हमको नॉर्मली सपोर्ट करना है कि एक आदमी आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाओ, ठीक है। और ये वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा कि कितना पैसा निकलता है, कितना इन्वेस्ट होता है, ठीक है, तो वो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो अगर पसंद आए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। जय हिंद, जय भारत।